ये लेक्चर है अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाउ यू शुड कलेक्ट, सेव, ऑर्गेनाइज, हैव योर डेटा इनसाइड एक्सेल और सम अदर डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट हो सकती है या सम अदर थिंग्स। और बेसिक प्रैक्टिस में जो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में वो रहे। स्टार्ट करते हैं, तो स्क्रीन आपके सामने मैं लेके आता हूँ। मुझे नहीं पता आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये प्रैक्टिसेस, लेकिन यू शुड यूज़। सबसे पहली प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहली प्रैक्टिस है कि आपकी जो एक्सेल फाइल है, मैं यहाँ पे बेसिकली उसका एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे हम लिखते जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे लिखता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू ऑर्गेनाइज डेटा। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना देता हूँ और ये इसी तरीके से गिटहब के ऊपर जब मैं अपलोड करूँगा तो आपके सामने भी आ जाएगी। सो यू कैन सी हियर, ये हमारे पास एक पैकेज है, मेरा एंड नोट साथ ओपन हो जाता है, नो वरीज अबाउट दैट। यहाँ पे जो पहली प्रैक्टिस है आपकी, सबसे पहली स्टार्ट मेकिंग अ न्यू फाइल विथ नेमिंग कन्वेंशंस। कौन कौन सी? पहली, डू नॉट यूज कैपिटल लेटर्स इन फाइल नेम, डू नॉट यूज स्पेसेस, इन फाइल नेम जो आप एक्सेल एक्स की बना रहे हैं। तीसरी क्या है? डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ सेल अदर देन A1 इन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल के A1 से एक्स्ट्रा नहीं स्टार्ट करना। होता क्या है अक्सर औकात लोग यहां से डेटा स्टार्ट कर देते हैं, और आपने कई लोगों को देखा होगा एमी फजूल में तीसरे कॉलम से स्टार्ट किया हुआ है। सो जब आप इंपोर्ट करते हैं ना डेटा, ये पहले कॉलम एमी आ जाते हैं उठ के, और ये मेरे साथ कई दफा हुआ था, और ये वो चीज थी जो मुझे पता ही नहीं था कैसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम A1 एंड पहला शुड बी योर हेडर ऑलवेज। अगर नहीं हैडर, सो यू शुड नो कि पहली लाइन में क्या है, दूसरा हैडर है। यू शुड नो योर हैडर लोकेशन, ठीक है। You should know your header location. Then, अच्छा ये तो हो गया ये तो होगी स्पेसिस की नेम की थी, ये इसको मैं थोड़ा सा बैक पे ले जाता हूँ। हैडर लोकेशन का आपको पता होना चाहिए। एंड देन डू नॉट हैव एम्प्टी सेल्स इन योर फाइल, रादर राइट नल और NA, ठीक है। एम्प्टी सेल नहीं छोड़ने, ये बड़ा मसला करते हैं, बहुत ही मसला करते हैं, खासतौर पे जब आप डेटा को ले रहे होते हैं। एंड देन अदर देन दैट डू नॉट यूज कॉलम नेम्स विद स्पेसेस और कैपिटल लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, यूज अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेस व्हेन रिक्वायर्ड। ये दोनों में चलता है, स्टार्ट में भी, मतलब नेमिंग कन्वेंशन में भी, कॉलम्स के नेम्स में भी। और नेक्स्ट है जी हमारे पास यहां पे 7th नंबर, एंड ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन एडिंग डेटा, Do not put extra spaces or characters inside. Do not put extra spaces or characters inside the values you are adding. Say for example, मैंने country name add करना था, लिखना था मैंने पाकिस्तान, ठीक है। मैं end पे space दे रहा हूँ उसके, फजूल में लिखना था मैंने पाकिस्तान, मैं स्टार्ट में स्पेस दे रहा हूँ फजूल में, यहाँ पे लिखना था मैंने सिंपल पाकिस्तान, तो वेरिएबल डिफरेंट हो गया। सो एक तो कंट्री नेम के अंदर स्पेसेस ना डालें, सेकंड आपका ये होना चाहिए कि डू नॉट
I would say use the format you are using for each column. यानी कि जो एक कॉलम में आपकी फॉर्मेट आ गई उसी को फॉलो करें, ठीक है? Use similar text every time. कैसे? मैं इसकी एग्जाम्पल बड़ी आसान सी आपको देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दैट. इसकी एग्जाम्पल ये है जनाबे वाला कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज नॉट राइट, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली करेक्ट इसने कर दिया, बट इट शुडन डू. मैं समझा रहा हूँ, खुदा दे बंदे, ठीक है? ये हो गया पाकिस्तान, ऐसे नहीं करना, फिर ऐसे नहीं करना, राइट? एंड देन मेन चीज है ऐसे लिखना है. सो दिस इज करेक्ट वन एंड दीज आर नॉट करेक्ट वंस. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े मसले करती हैं आगे, ठीक है? और आने वाले दिनों में इस डॉक्यूमेंट को हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के डॉक्यूमेंट को बढ़ाते जाएंगे एंड देन यू विल सी मोर थिंग्स कमिंग अप. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है A1 से स्टार्ट करें हमेशा, ठीक है? और कोई भी एक कॉलम खाली ना छोड़ दें. एवं दिल किया जी इसको मैं हाइड कर देता हूँ, वो ना छोड़ें. डू नॉट यूज हाइड और अदर थिंग्स. डू नॉट हाइड एनी कॉलम्स. मैं यहां पे लिख देता हूँ, डू नॉट हाइड एनी कॉलम. Do not leave a space for column. And there are many best practices. These are few जो आपके लिए जरूरी हैं, खासतौर पर वो लोग जो डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं किसी भी पेपर राइटिंग के लिए. और ये डॉक्यूमेंट जो मैं लिख रहा हूँ आई विल एक्चुअली प्रोवाइड यू एज वेल इन GitHub repo, probably today. और इस कोर्स के अंदर ये सारी की सारी GitHub repo जो है इसका लिंक हर वीडियो के नीचे मैं फिर देता जाऊँगा ताकि आपको ये मिलता जाए, ठीक है? ये हैं जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको मद्देनजर रखनी है जब आप डेटा कलेक्ट करें अपनी रिसर्च का खासतौर पे. और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जब हम प्लॉटिंग करेंगे आपको समझाऊंगा कि आपने वेरिएबल सारे एक सारे लॉन्ग फॉर्मेट में क्यों लेने हैं, वाइड फॉर्मेट में क्यों लेने हैं, वाइड फॉर्मेट होती क्या और बाकी क्या होती है, ठीक हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर है तो राइट डाउन इन द चैट प्लीज़ और कमेंट सेक्शन, ताकि हमें पता चले कि आप सीख रहे हैं.